इसमें आज हम सीख रहे हैं स्ट्रेच कमांड, ठीक है। तो स्ट्रेच कमांड के अंदर हमारे पास यहां पर ही मिलती स्ट्रेच कमांड, ये स्ट्रेच। देखा जाए तो वैसे आप नॉर्मली इस कमांड को यूज करेंगे तो उसका कोई काम आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे इसको सही तरह से तो आपको उसका बड़ा काम नजर आएगा। देखिए मैंने ये ड्रॉइंग आपके लिए सिंपल सा बनाया हुआ है। यू सपोज कर लें कि ये कोई एक शेप है जिसमें एक बीच में एक और शेप बना हुआ है, और ये सपोज कर लें टेबल है जो टेबल के कॉर्नर्स वगैरह है, तो ये परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि इसकी जो मेजरमेंट है, व्हाटएवर जो भी मेजरमेंट है, कोई डायमेंशन में जाके आप इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं, लीनियर डायमेंशन में ले लें, जो भी इसकी मेजरमेंट्स है उस मेजरमेंट के मुताबिक अगर इसकी मैं यहां पे देखूं तो मेजरमेंट्स इसकी क्या आ रही है, 250 इंचेस में इसकी मेजरमेंट आ रही है। अब आपसे कोई कहेगी यार ये ऑब्जेक्ट 250 है, इसको 255 मतलब 5 इंच इसका एक्सटेंशन देना है या 5 इंच से कभी करनी है, तो किस तरह से पॉसिबल है। इसी तरह से अगर डायमेंशन कमांड के अंदर जाके मैं यहां से लीनियर डायमेंशन में यहां की डायमेंशन ले लूं और एक डायमेंशन यहां की ले लूं, तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि भाई यहां पर जो इसकी जो वैल्यूज है मतलब 100-100 दोनों साइड है, तो ये सेंटर वैल्यूज के अंदर है, ठीक है। और अगर लीनियर में जाके मैं इसकी यहां से ये भी ले लूं और उसकी ये भी ले लेता है, आपको ये पता चल रहा है कि 50-50 हाइट और विड्थ के अंदर है। समझाने का मकसद ये है कि अगर अब तक आपके पास ये नॉलेज नहीं है, फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट के अंदर 250 में 5 इंच का एक्सटेंशन देना हो या 5 इंच आपको इसमें से लेस करने हो, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। मैं इन सारे मेजरमेंट्स को सिलेक्ट करके एक अलग से कलर दे देता हूं, ठीक है। स्ट्रेच कमांड इस ऑप्शन में हमें हेल्प कर सकती है। सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि सिलेक्शन विंडोज में आपके वो सारे ऑप्शंस परफेक्टली सिलेक्ट होने चाहिए जिनको आपको एक्सटेंड या कोलैप्स करना है स्ट्रेच कमांड के जरिए। स्ट्रेच कमांड पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम स्ट्रेच कमांड लेंगे तो हम यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसको हम स्ट्रेच करते हैं। यहाँ पर अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा बड़ा करना है या वर्टिकली थोड़ा सा इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, मतलब पढ़ाना भी चल सकता है और कम भी किया जा सकता है, तो आपने स्ट्रेच कमांड लेने के साथ साथ देखिए आइकन लोड कर लें स्ट्रेच कमांड का। उसके बाद आपने स्पेसिफाई करना है ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा जितने हिस्से को आपने इसको करना। देखिए मैंने पूरा जब सिलेक्ट किया तो ये 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 और ये लाइन इसकी सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद आपने बताना एंटर और फिर आपने यहां से पकड़कर इसको इस तरह से स्ट्रेच किया जा सकता है, एक तरफ इससे इसके साइज में इजाफा भी हो सकता है कमी भी आ सकती है। अच्छा अब आपको इसको आगे बढ़ाना है, तो याद रखें कि अगर ये ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपका ऑर्थो बॉन्ड ओपन है, तो इसलिए ये नहीं हो रहा। इसको सीधा रख के आपने जितने पॉइंट बढ़ाना है वैल्यूज को इंटर करना है या फिर आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे देखिए उतना स्ट्रेच हो गया। और सेकेंड अगर इसको कम करना है तो आपने स्ट्रेच कमांड को दोबारा यहां से क्लिक करना है और फिर ये देखिए इतना हिस्सा पूरा कवर करके एंटर दबा के अब आपने इसको यहां से कहीं से भी इसको पकड़कर और इस तरह से वापस रिड्यूस करते हुए कितने पॉइंट कम करना है 50 पॉइंट कम करना है, जिससे लिक्विड में डरना है तो ये उसका कम हो गया। इसी तरीके से अगर इसको ऊपर की तरफ बढ़ाना है तो आपने स्ट्रेच कमांड को वंस अगेन पिक करना और देखिए यहां से ये पॉइंट गलत आ गया इसके अंदर दोबारा से शुरू करें, ये देखिए यहां से या फिर ऊपर से ले इस तरह से इसको से कवर अप कर ले और देखिए ये सारी लाइन सिलेक्ट हो गई जो स्ट्रेच होने की। उसके बाद यहां से कहीं भी एंटर करके सेंटर पॉइंट से आपको इसको ऊपर की तरफ बढ़ाना है और एक वैल्यू पुट करके जैसे 20 पॉइंट्स एंटर करना है तो 20 पॉइंट्स ये ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। इसी तरह से कम करना है तो इसी तरह फिर दोबारा स्ट्रेच कमांड लेनी है और इस तरह से यहां पर से इसको सिलेक्ट करना है वंस अगेन ये देखिए और फिर एंटर करके इसको किसी भी एक सेंटर पॉइंट से पकड़ के नीचे की तरफ लेकर आइए। अब देखिए यहां पर वहां से इस कॉर्नर से नीचे आ रहा है, अगर मैं 20 एंटर करूंगा तो ये इस तरह से हो जाएगा जो ब्रेक हो गया, तो वापस से स्ट्रेच कमांड को यूज करना है। ये देखिए ये लाइन सिलेक्ट अभी भी नहीं हुई है और अब ये लाइन सिलेक्टेड है, एंटर करें। अब आप बड़े आसानी से इसको नीचे की तरफ ला सकते हैं, 30 पॉइंट्स में नीचे ले आते हैं, एंटर करें तो ये देखिए इसकी लेफ्ट में कमी आ गई। इसी तरह से इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करना है तो देखिए स्ट्रेच कमांड लीजिए और फिर इसको इस तरह से यहां तक पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लीजिए
ये तीनों लाइन स्टैक होनी चाहिए और जब एंटर और उसको एक वेट पॉइंट से पकड़ के नीचे की तरफ लाएंगे 50 पॉइंट्स में नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दे तो ये देखिए इसके स्टैक ज्यादा हो गया। इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की विड्थ हाइट और प्रोफेशनली भी ये तो मैंने इसको इस तरह से एक्सटेंड किया, इस तरह से प्रोफेशनली भी आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। आइए इस ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में हम क्या चीज को इसमें करके देख सकते हैं। देखिए स्ट्रेच कमांड लीजिए और अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को इसे लेंथ पर बड़ा करना है तो मैंने इसको इस तरह से पूरा कवर अप किया, एंटर किया। देखिए पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगी तो जितनी लाइन सेलेक्ट हुई है उसको आपने यहाँ से पकड़ा सेंटर पॉइंट से और कितना पॉइंट इसको एक्सटेंड करना है तो 100 पॉइंट से करना है तो देखिए 100 पॉइंट ये साइड पर एक्सटेंड हो गया। वंस अगेन स्ट्रेच कमांड लीजिए और सिलेक्शन बनाने के बाद कंप्लीटली आपने इसको रिड्यूस करना है, एंटर कीजिए और यहाँ से इसको जो है क्लिक करके आपने इसको 100 पॉइंट कम करना है, 100 पॉइंट की एंट्री कीजिए, एंटर कर दीजिए तो ये उससे कम हो जाएगा। इसी तरह से इसको ऊपर की तरफ करना है तो स्ट्रेच कमांड लीजिए और इस तरह से ऊपर से सिलेक्शन को यहाँ तक बनाइए। लेकिन अब देखिए ये लाइन सेलेक्ट नहीं हुई और सेकंड इसको दोबारा सिलेक्शन को बनाइए और अब सिलेक्ट हो चुकी ये सारे लाइंस इसके एंटर करके किसी भी एंगल से इसको पकड़िए और उस यहाँ से पकड़ लीजिए और उसको इस तरह से ऊपर 120 डिग्री पर ले जाइए तो ये देखिए इस तरह से इसके अंदर एक्स एक्सटेंशन हो सकता है। उसको अगर कम करना है तो आप इसको अगर ऊपर से कम करना चाह रहे हैं तो दोबारा स्ट्रेच कमांड लीजिए और ये देखिए इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए, ये तीन लाइन सेलेक्ट हो गई और उसको एंटर दबा के यहाँ से भी आप 100 की एंट्री करके इस तरह से कम कर सकते हैं। अब रही बात की बीच के ऑब्जेक्ट को अगर मूव करना है तो फिर आप दोबारा से स्ट्रेच कमांड लीजिए। अब बीच के ऑब्जेक्ट में ये देखिए किस तरह मूव होगा, ये एक लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, ओके ये देखिए सिलेक्ट हो गया, एंटर कीजिए और उसको सेंटर पॉइंट्स पकड़ के यहाँ पर ये यहाँ पे जितने पॉइंट आपको मूव करना है सब 30 पॉइंट्स इसको राइट साइड पे मूव करना, 30 की एंट्री कीजिए वो हो चुका है। बस एक स्ट्रेच कमांड लीजिए और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर करके यहाँ से आपने इसको यहाँ पर मूव करना है तो 40 की एंट्री यहाँ पे करिए तो ये देखिए दोबारा से इस पोजिशन पर मूव हो गया। तो स्ट्रेच कमांड इस तरह से काफी हेल्पफुल है। ये एक ड्रॉइंग की तरफ देखते हैं, ये टेबल बना हुआ आप इस पे भी आप इसी तरह के एक्सटेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेच कमांड लीजिए और आपने इस टेबल को पूरा का पूरा किस तरह से सिलेक्ट कर लिया, यहाँ तक सिलेक्ट करें देखिए सिलेक्ट हो गया, एक एक चीज सिलेक्ट हो चुकी है इसकी तो इसी एंटर करेंगे तो यहाँ से पकड़ के टेबल को और सिलेक्ट कीजिए राइट साइड पे कितने पॉइंट्स बढ़ना है, सिर्फ 100 पॉइंट्स बढ़ना है, एंटर कीजिए तो ये देखिए 100 पॉइंट्स बढ़ के टेबल काफी लंबा हो गया। अब मैं तो करो उसको 100 पॉइंट बहुत ज्यादा कर दिया हमने तो उसे कम पढ़ाते 20 पॉइंट्स पढ़ाते, सिलेक्ट किया मैंने इस तरह सिलेक्शन राइट साइड से और एंटर और यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट से पकड़ के मैंने इसको 20 पॉइंट्स एक्सटेंड कर दिया तो ये देखिए 20 पॉइंट एक्सटेंड हो गया। और दोबारा स्ट्रेच कमांड लेकर यहाँ से सिलेक्ट किया इसको यहाँ से एंटर किया और वंस अगेन मैंने यहाँ से इसको कम कर दिया 20 पॉइंट्स तो यहाँ से 20 पॉइंट्स के। इसी तरह इसकी टेबल की हाइट इंक्रीज करनी है, सिलेक्ट किया इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद एंटर किया और उसको यहाँ से सेंटर पॉइंट से पकड़ के और ऊपर तक ले गए और 20 पॉइंट्स की एंट्री करी तो ये बड़ा हो गया। इस तरह इसको नीचे से कम करना है तो स्ट्रेच कमांड लीजिए और इस तरह सिलेक्शन को कम्प्लीटली बनाने के बाद एंटर कीजिए और किसी भी एक पॉइंट्स को करके इसको 20 पॉइंट्स कम कर दीजिए तो ये देखिए इस तरह से इसकी हाइट को कम कर दीजिए। इसी तरीके से अगर आपको इसके जो लेग्स है इसमें थोड़ा सा केप कम करना है यानी कि कुछ इस तरह से आपको देना है, इसमें भी आपको प्रोपोर्शनली यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि मैं इसको विड्थ में हाइट में कर दूं लेकिन प्रोपोर्शनली मतलब किसी चीज को इस तरह से कम या ज्यादा करना हो तो आप यहाँ से लेंगे स्ट्रेच कमांड। तो देखिए इस तरह से सिलेक्ट करना है, ये ऐसे कंप्लीट सिलेक्शन करने के बाद देखिए सिलेक्ट करना है दोनों लाइन सिलेक्टेड है और इस पॉइंट को पकड़ के यदि यदि इसके मिड पे कर दीजिए हाफ पर और अगर मिड पे नहीं करें तो देखिए आपको एंगल में बता रहे दो डिग्री की इंक्रीज, मैं यहाँ पे क्लिक करके करके बता रहा हूँ और इसी तरह से स्ट्रेच कमांड को लेफ्ट साइड पे ले जाके मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ फुल यहाँ पर और क्लिक करने के बाद नहीं सिलेक्ट हुआ स्ट्रेच कमांड। अब इसको मैं इस तरह से सिलेक्ट करूंगा तो लेफ्ट टू राइट सिलेक्शन रखना है आपने मोस्ट ऑफ टाइम, तो यहाँ से क्लिक करना और यहाँ से इसको दो की इंक्रीज करके मैं इसको यहाँ से इसको इस तरह से कम कर रहा हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को रीसाइज करने में, मतलब चाहे आप उसकी विड्थ या हाइट कम करें ज्यादा करें प्रोपोर्शनली करें या विड्थ में या हाइट में कम करें ये आपको बड़ा हेल्प कर सकता है। यानी कि एक्सटेंड और ट्रिम कमांड का
एक तरह से ये ऑल्टरनेट है जिसमें आप ऑब्जेक्ट को इजीली रिसाइज कर सकते हैं। थैंक यू।